हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग मशीन लगाने को लेकर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सुक्कू के बयानों पर सवाल उठाए हैं और पत्रकार वार्ता के दौरान नरेंद्र ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्कू के पास विधायक निधि आज के समय में नहीं है तो फिर सुक्कू किस मुंह से ऐसा कह रहे हैं कि विधायक निधि से कोरोना टेस्टिंग मशीन लगाई है, क्योंकि अगले कुछ समय के लिए सभी विधायकों की निधि बंद कर दी गई है। ऐसा है, जो यहाँ कोरोना टेस्टिंग की मशीन जो लगी है, इसमें नो डाउट कि सुक्कू जी भी वहाँ उस मशीन को लगाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन जैसे प्रदेश सरकार का फैसला आया कि भाई जो इस बार एमएलए की जो विधायक निधि है वो सरकार को वापस चली जाएगी, विधायक निधि एमएलए को नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली सभी एमएलए की विधायक निधि जो है वो सरकार को चली गई और मशीन यहाँ पे लगी, ये स्टेट फंड से सरकार ने लगाई है, एक नहीं लगी और भी तीन चार मशीनें जो साथ में ये आई थी और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगी है, जिसमें हमीरपुर में भी ये लगी है। लेकिन ये कह देना कि भाई ये मैंने लगाई है या मेरी विधायक निधि से लगी है, ऐसा नहीं है, ये स्टेट फंड से ये जो है, ये जो है मशीन जो यहाँ पे लगी है। मैं ये नहीं कह सकता तो झूठ बोल रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो है, जब विधायक निधि किसी के पास है ही नहीं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब विधायक हमारी विधायक निधि कहाँ गई, फिर हमें भी 35 लाख मिलना चाहिए था, जब हमें नहीं मिला 35 लाख तो एक विधायक को कैसे मिल गया। ऐसा है, वो देखो विधायक जा सकता है, कोई भी विधायक जो है हॉस्पिटल में जा सकता है, लेकिन ये गाजे बाजे के साथ जाना ये करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि उनके लिए ठीक था ये, क्योंकि ये सरकार ने मशीन लगाई है, विधायक निधि किसी विधायक के पास नहीं है, एक विधायक के पास स्पेशल विधायक निधि कहाँ से आएगी ये मुझे नहीं पता। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कुछ समय के लिए पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और जब कोरोना खत्म होगा तो नॉर्मल हालात हो जाएंगे, जिससे बाद में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संकट की घड़ी में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और अपना कुनबा बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई माए बाप नहीं है और टुकड़ों में बिखरी हुई है और अपने आप को बचाने पर लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे देश और प्रदेश वर्ल्ड के जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, वर्ल्ड की हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो शटर हुई है और हमें पब्लिक को भी और आम जनता को भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, सारा सिस्टम चौक हो गया है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, सरकार बीते संकट से गुजर रही है, उनके पास इनकम का सोर्स जनरेट करने का कोई नहीं है। हाँ थोड़े समय के लिए ये तो जग जाएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ी हैं, पर ये टेम्परेरी हैं, ये जब पटरी पे इकोनॉमी आ जाएगी ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद नॉर्मल हालात आ जाएगी, सब कुछ ठीक चलेगा, कीमत भी और ये कीमत बढ़ी इसे भी एक पेट्रोल की एक कीमत ले रहे हैं, बाकी तो आई डोंट थिंक किसी चीज़ की और बढ़ी है, लेकिन एक्साइज में शराब की कीमत बढ़ी है और पेट्रोल की बढ़ी है, तो ये टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद नॉर्मल हालात में आ जाएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कांग्रेस वालों को कि इस संकट की घड़ी में वो राजनीति करने पर बाज नहीं आ रहे हैं, उनका अपना कुनबा बिखरा हुआ है। कल यहाँ भी जो इन्होंने एजिटेशन की हैं तो उसमें 3 ग्रुप थे, एक ग्रुप शामिल ही नहीं हुआ, एक ग्रुप किसी और जगह एजिटेशन कर रहा है, दूसरा गाजे बाजे भी बजा के हॉस्पिटल जा रहा है, तो किस ढंग का इन्होंने एजिटेशन किया ये तो खुद जाना है, लेकिन इनके पास ये सेंटर में भी और प्रदेश में भी इस वक्त कोई इनको संभालने वाला कोई व्यक्ति है नहीं है, तो ये खुद टुकड़ों में डूबी हुई है और अपने आप को बचाने के लिए, ये लोगों को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या नेताओं के खिलाफ हमारे खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन पब्लिक बड़ी समझदार है, पब्लिक जान चुकी है। लेकिन मैं इनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त हम सभी आम जनता भी सरकार भी सबका फर्ज बनता है कि सरकार का सहयोग करें और इस संकट की घड़ी में हम पब्लिक हमारी ठीक रहे, हमें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, उसमें ये अपना सहयोग देने की बात करें, ना कि उल जुलूल या छोटे मोटे ऐसे घटिया किस्म के लोगों को गुनाह करने की जो है ये आदत जो वो छोड़ दे।
नरेंद्र ठाकुर ने संगठन में मतभेदों पर कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है और छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बिखराव बहुत ज्यादा है और बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे की सूचना नहीं थी और इस कारण कई नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। संगठन तो जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट या संगठन के लोग थे, नेता तो इसमें थे नहीं। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डिफरेंसेस ही बहुत ज्यादा है। बड़ी इतनी इतनी बड़ी पार्टी है, मेरा आपसे विचार नहीं मिलता है, इट इज ऑल्सो इट यू कैन कंसिडर इट डिफरेंसेस। लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं, यहाँ एक या हो सकता है छोटा मोटा कोई और देदार है, अगर वो शामिल ना हुआ हो तो इसमें ये बात नहीं चलती। जिला अध्यक्ष को एक जिला है, जिला अध्यक्ष उस पार्टी ने नाम ले लिया, हो सकता है उसको सोचना ही ना उस दिन, लेकिन फिर भी मैं मान सकता हूँ आपकी बात, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। थोड़े बहुत डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो हमें भी सूचना नहीं थी, हमें भी मुख्यमंत्री आने से एक घंटा पहले लगे लगा पता कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस दिन जानबूझ के नहीं आए, हो सकता है उनको सोचने ना हो। बीजेपी के वर्चुअल रैलियों पर कांग्रेस की बयानबाजी पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद तो कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए बीजेपी की वर्चुअल रैलियों पर टिप्पणियां करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी संगठन को आगे कैसे चलाना है, इसके लिए काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कुछ तो कर नहीं पाती है, ना उनके कोई संगठन है, ना कोई संगठन की बात करते हैं, और ये वर्चुअल रैली में कहता हूँ ये खर्चा कुछ नहीं है, ये बल्कि ये लोगों के साथ संगठन का काम करने के लिए एक बहुत बढ़िया हमें जो है ये जरिया मिला है, और हम इसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें आई डोंट क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है, लेकिन संगठन को कैसे चलाना है, संगठन हमारा इकट्ठा रहे, सरकार और संगठन का तालमेल रहे, सरकार की उपलब्धियों संगठन के बीच में जाएँ और संगठन जो उसको पब्लिकली करे, ये हमारे लिए ज़रूरी है, और आई डोंट थिंक इसमें कोई फ्यूल खर्ची है।